सत श्री अकाल, तुसी सुन रहे हो न्यूजीलैंड दा नंबर वन पंजाबी रेडियो साडेला रेडियो 87.8 FM। मैं हाँ मनदीप कौर संधू, लेके हाजिर हाँ पंजाब दे नाल संबंधित कुछ खास खबरां। श्री अकाल तख्त साहिब दे जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह वालों सरकार नूं जो 24 घंटियां दा अल्टीमेटम दिता गया सी, उस उत्ते हुण पंजाब दे मुख्यमंत्री भगवंत मान ने जथेदार उत्ते ही सवाल खड़े कर दिते ने। भगवंत मान ने ट्वीट करदे होए कहा कि जथेदार श्री अकाल तख्त साहिब जी, सब नूं पता है कि तुसी ते SGPC बादलां दा पक्ष पूरदे रहे हो। इतिहास देखो, कई जथेदारां नूं बादलां ने अपने स्वार्थ लई वरत्या है। चंगा हुंदा जे तुसी अल्टीमेटम बेअदबी अते गायब होए श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे सरूपां लई जारी करदे, ना कि हसदे वसदे लोकां नूं भड़काउण लई। जिक्र कर दईए कि श्री अकाल तख्त साहिब दे जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने सोमवार नूं पंजाब सरकार नूं उन्हां सारे नौजवानां नूं रिहा करन लई 24 घंटे दा अल्टीमेटम दित्ता, जिन्हां नूं भगौड़े अमृतपाल सिंह अते उसदे साथियों खिलाफ अपराधां दे दोष हेठ गिरफ्तार किया गया सी, जिन्हां नूं पुलिस कार्रवाई दौरान हिरासत विच लै लिया गया सी। ते उन्हां ते पुलिस की कार्रवाई दौरान कुछ लोगों ते राष्ट्रीय सुरक्षा एक्ट नूं लागू करन लई सूबा सरकार की आलोचना की गई सी। पंजाब दे मुख्यमंत्री भगवंत मान वालों जथेदार श्री अकाल तख्त साहिब उत्ते टिप्पणी तो बाद सियासी माहौल गर्मा गया। इस नूं लैके कांग्रेस के विधायक ते मान दे सियासी विरोधी सुखपाल खहरा ने ट्वीट करके भगवंत मान उत्ते निशाना साधिया। सुखपाल खहरा ने ट्वीट करदे कहा कि बड़े दुख की गल है कि भगवंत मान दमन चक्कर के शिकार हुए सिख नौजवानों नूं इंसाफ देने की बजाय उल्टा जथेदार श्री अकाल तख्त साहिब नूं चेडा कर रहा है। इंज लगता है कि दिल्ली दे इशारे उपर चलदिया सत्ता दे नशे च चूर है ते रब नूं वी भुल गया। और इसे ही ट्वीट तो बाद जथेदार हरप्रीत सिंह ने भी सोशल मीडिया ते पोस्ट सांझी करदिया कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान जी, जिवें तुसी पंजाब दी नुमाइंदगी कर रहे हो उस तरह मैं भी अपनी कौम दा निमाणा जां नुमाइंदा हाँ। उन्हां अगे लिखा कि मैनू भी अपनी कौम दे निर्दोष नौजवानां दे हक्कां दी गल करन दा अधिकार है ते मेरा फर्ज भी है। तुसी ठीक कह कि अक्सर ही भोले भाले धार्मिक लोकां नूं सियासी लोक वरत जांदे ने, पर मैं इस पक्खों पूरा सुचेत हाँ। उन्हां कहा कि पर तुसी रखो अपनियां सियासी रोटियां सेकण लई पंजाब नूं तंदूर वांग मगदार रखण लई आप जी वर्गे सियासी लोकां नूं सियासी लोक ना वरत जाण। सियासत लई संवाद बाद च करांगा, पहला आओ रल के पंजाब बचाईए ते घर उड़ीक रहीआं मावां नूं उन्हां दे जेली डके निर्दोष पुत्तां दे नाल मिलाईए ते असीस लईए। इस दे नाल ही उन्हां ने गल कही है कि तुसी पंजाब बारे सोचदे हो ते मैं भी पंजाब दी ही गल करदा हां। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सालाना बजट इजलास च वित्तीय वर्ष 2023-24 वास्ते 1138 करोड़ रुपए के बजट नूं प्रवान किया गया। इस वार 32 करोड़ रुपए का घाटे का बजट है। तेजा सिंह समुंदरी हॉल च किए गए बजट इजलास की प्रधानगी कमेटी के प्रधान हरजिंदर सिंह धामी ने की, जबकि बजट जनरल सकत्र गुरबचन सिंह गरेवाल ने पेश किया। इस वार मुख बजट च हरियाणा के गुरद्वारा और विद्यक अदारों का बजट शामिल नहीं है, पर इस संबंध में वक्रे तौर पर 57 करोड़ रुपए का सप्लीमेंटरी बजट रखा गया है। पिछले साल सिख संस्था का बजट 988 करोड़ रुपए से। वारिस पंजाब दे जथेबंदी दे मुखी अमृतपाल सिंह दी भाल लई पंजाब पुलिस लगातार सर्च अभियान चला रही है, पर अजे तक अमृतपाल दा कोई भी सुराग नहीं मिलिया। इस दौरान अमृतपाल दी पत्नी किरणदीप कौर दा बयान सामने आया है। किरणदीप ने कहा कि उसनूं नहीं पता कि उसका पति अमृतपाल कित्थे है ते पिछले काफी समय तो अमृतपाल नाल कोई भी गलबात नहीं हुई है। किरणदीप कौर ने कहा कि उसने अमृतपाल ही अपना परिवार ते नौकरी छड़ दित्ती है, हुण उस नूं कदे भी इस हालातां विच नहीं छड्डेगी। किरणदीप कौर ने कहा कि अपने पति अमृतपाल नूं बेकसूर दसदे उसने गल कही हो कि धर्म दे प्रचार लई हमेशा पहल दिंदा सी, सिक्खी दा प्रचार उन्हां दी पहली पसंद ते मैं दूजी रही हां। किरणदीप कौर ने कहा कि अमृतपाल ने हमेशा धर्म ते पंजाब दे लोकां लई आवाज़ नूं बुलंद कीता है। किरणदीप ने यह भी गल आखी कि अमृतपाल सोशल मीडिया ते धार्मिक प्रचार दीआं वीडियो पाउंदा सी, जिस तरह ही उन्हां दे संपर्क विच आई सी, पर उस नूं इह नहीं पता सी कि अमृतपाल उस नाल व्याह करवा लवेगा। कि हिंदी अखबार च छपी रिपोर्ट मुताबक किरणदीप कौर ने कहा कि अमृतपाल नूं पहली बार इंस्टाग्राम ते मिली सी, क्योंकि वह अध्यात्मक सी ते कदे भी नॉन वेज नहीं खांदी सी ते ना ही ड्रिंक करदी सी।
इस लिए अमृतपाल दे नाल छुड़ गई। किरणदीप ने दसाया कि उसके दादा जी 1951 च यूके चले गए से उदों तो उन्हों का परिवार उत्थे रह रहा है। उन्हें कहा कि मेरा परिवार सिख प्रचारकों का परिवार नहीं है, होर सिख परिवार वांग वह भी यूके के गुरद्वारा साहब विखे नतमस्तक हुंदी सी। बीबीसी न्यूज़ का पंजाबी भाषा का ट्विटर अकाउंट नू ब्लॉक करता गया। ट्विटर हैंडल ते एक ट्वीट च कहा गया कि एक कानूनी मंग दे जवाब च अकाउंट नू बैन किया गया। यह पहली बार नहीं है जदों बीबीसी ते अजिही कार्रवाई की गई होवे। यह कार्रवाई पंजाब च खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह दी तलाश दौरान की गई है। बीबीसी ने अजे तक इस ब्लॉक ते कोई टिप्पणी नहीं की है अते ट्विटर ने अजे तक उस बेनती बारे कोई जानकारी नहीं दी जिसका बीबीसी पंजाबी दे ट्विटर हैंडल नू खोलन ते जिक्र किया गया। फिलहाल स्पष्ट है कि खालिस्तानी वक्वादी अते वारिस पंजाब दे मुखी अमृतपाल सिंह नू फड़न लई मंगलवार नू बीबीसी न्यूज़ दा पंजाबी भाषा दा ट्विटर अकाउंट ब्लॉक कर दिता गया सी। पंजाब राज महिला कमिशन की चेयरपर्सन मनीषा गुलाटी नू सूबा सरकार वालों अहुदे तो हटाउण दे मामले च अज हाईकोर्ट तो वड्डा झटका लगा। हाईकोर्ट ने मनीषा गुलाटी वालों राज सरकार दे हुक्मां नू दूजी वार पंजाब अते हरियाणा हाईकोर्ट च चुनौती देण वाली पटीशन नू खारिज कर दिता। पटीशनर गुलाटी ने सरकारी हुक्मां च स्पष्ट ना होण समेत तकनीकी कारणां दे आधार ते सूबा सरकार दे हुक्मां नू रद्द करन दी मंग कीती सी। इस तों पहलां मनीषा गुलाटी ने सीनियर वकील चेतन मित्तल राही पटीशन दायर की थी। उसने हाईकोर्ट ने दसा कि उसकी नियुक्ति 13 मार्च 2018 को तय प्रक्रिया अनुसार 3 साल लिए की गई थी। उसने 18 सितंबर 2020 तो 19 मार्च 2021 तक और फिर 18 मार्च 2024 तक निर्धारित प्रक्रिया अधीन वाधा किया गया सी। मनीषा गुलट ने कहा कि 31 जनवरी नू पंजाब सरकार ने उसके एक्सटेंशन के हुक्मों नू रद्द करदिया कहा कि उसके एक्ट की उलंघना करके सेवाकाल च वाधा किया गया सी। पटीशनकर्ता मनीषा गुलाटी ने पटीशन च कहा सी कि जिस अथॉरिटी ते एक्ट तहत उसकी नियुक्ति की गई सी उस तहत उसनू सेवाकाल च वाधा भी किया जा सकता है। अजिहे च एक्सटेंशन रद्द करन दे हुक्मों नू गलत दसते हुए इस फैसले नू रद्द करन दी मंग की गई सी। फिलहाल इस सन हुण तक दीआं खास खबरां। नवीं ताज़ा खबरां दी जानकारी दे लई सुनदे रहो न्यूजीलैंड दा नंबर 1 पंजाबी रेडियो साडे आला रेडियो 87.8 FM। सत श्री अकाल।